हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप योनो SBI ऐप से मनी ट्रांसफ़र करने के वाले हैं तो वो कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होता है, पूरी जानकारी मैं यहां पर देने वाला हूं। 2020 का ये लेटेस्ट वीडियो है, जनवरी माह चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना 2020 के अंदर एक नया प्रोसेस मैं फिर से आपको बता दूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक खास निवेदन कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो आइए अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, योनो SBI में लॉगिन करने का दो तरीका है, पहला तो MPIN डालकर, दूसरा है यूज़र ID और पासवर्ड डालकर। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो आप यहां पर डालकर लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपने MPIN सेट कर रखा है तो आप वो भी डालकर यहां पर सेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं MPIN डालकर यहां पर लॉगिन कर रहा हूं, सिक्योरिटी रीज़न के लिए ये जो प्रोसेस है वो मैं स्किप कर लूँगा। दोस्तों, अभी मैंने योनो SBI के अंदर लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने भी इस तरह का इंटरफेस आएगा, बहुत ही आसान तरीका होता है, वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखो सीधा लिखा हुआ है योनो पे, आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा है क्विक ट्रांसफ़र। देखिए दोस्तों, पेमेंट दो तरह से होता है, एक तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होता है उसके बाद आप पेमेंट कर पाते हैं, और अगर बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया है तो आप क्विक ट्रांसफ़र कर पाएंगे, मतलब तुरंत ही बिना बेनिफिशियरी ऐड किए आप यहां से पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम क्विक ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो क्विक ट्रांसफ़र के ऊपर हमने यहां पर क्लिक किया है। अब ये आपका प्रोफाइल पासवर्ड मांग रहा है, चलिए यहां पर मैं प्रोफाइल पासवर्ड डाल देता हूं, सिक्योरिटी रीज़न के लिए ये भी मैं एक बार स्किप कर रहा हूं। अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि आप किस तरह से पे करना चाहते हैं, अकाउंट नंबर से पे करना चाहते हैं या मोबाइल नंबर से पे करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से अभी तो अकाउंट नंबर यूज़ करके पे करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर SBI का अकाउंट है इसलिए मैं SBI सिलेक्ट करूँगा, अदर होगा तो यहाँ से मैं अदर बैंक कर लूँगा। फिलहाल मेरे पास SBI का अकाउंट है, उसी में पे करना है। यहाँ पर मैं चलिए जिस पार्टी का मुझे पैसा देना है उसका मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया है, चलिए अब उनका अकाउंट नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने उनका अकाउंट नंबर एक बार डाल दिया है, वही अकाउंट नंबर मुझे नीचे वापस डालना होगा, चलिए एक बार फिर से मैं डाल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है। अब ये यहाँ पे लिमिट पूछ रहे हैं कि आप इनकी लिमिट कितनी रखना चाहते हैं, तो हाल फिलहाल मैं 1000 रुपये ही इनकी लिमिट रखना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर उनका निकनेम मुझे कुछ डालना है, तो मैं एक निकनेम उनका डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने उनका एक निकनेम डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ से हमें नेक्स्ट करना है। अब देखिए किसको हम पे कर रहे हैं, उनका अकाउंट नंबर यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है। कहाँ से पे कर रहे हैं, मेरे अकाउंट से हम पे कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा अकाउंट का बैलेंस भी है। मुझे कितना पे करना है अभी, तो यहाँ पर मैं 1000 रुपये पे करने वाला हूँ, तो मैंने 1000 रुपये डाल दिए हैं। मैंने इसकी लिमिट भी अभी 1000 रुपये ही रखी है, और यहाँ पर अगर हम कुछ रिमार्क इसका डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर मैंने रिमार्क डाल दिया। अब इस पे के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है 1000 रुपये यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे, चार्ज आपको लगेगा 00, और इस अकाउंट से ये हो जाएंगे और इस अकाउंट में होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अब मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आने वाला है, जो मेरे बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो मुझे यहाँ पे डालना होगा, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ उसको। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा OTP आ गया है, ये OTP मुझे यहाँ पर डालना है, चलिए मैं डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया है, और अब यहाँ से मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो पेमेंट था, ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, यू हैव पेड 1000 सक्सेसफुली टू फ्रीज, रिमेनिंग बैलेंस इस अकाउंट में इतना है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था योनो SBI से पेमेंट करने का, ये लेटेस्ट प्रोसेस है।
तो अच्छा, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे जुड़ा हुआ अगर आपको कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करें। योनो SBI से जुड़े मैंने बहुत से वीडियो बना रखे हैं, योनो SBI फर्स्ट टाइम लॉग इन, बेनिफिशियरी ऐड, और वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इसी तरह का कोई उपयोगी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।